हेलो जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको दिख रहा होगा बिना नए ब्लॉग चालू होना, उसका रीज़न बताऊं। ये देखो, पहले तो पूरी नंदी भर गई रात को 3 बजे से। भाई सारी 3 बजे या 2 बजे से करीबन तरीके से, वैसे तो रात को 12 बजे करीबन चालू हो गई थी। और ये देखो क्या गाना गा रहे हो भाई साहब। इसकी छुट्टी हो गई, इसकी ये मतलब नहा धो के तैयार हो ली, उसके बाद में एकदम से मैसेज आता है कि आज बच्चों की छुट्टी है तेज बारिश होने के कारण, तो इसलिए रावी मैडम की हो गई छुट्टी। क्यों बाबू? मम्मा ने टिफिन बना दी, वो टिफिन बना के मतलब खाना बना के टिफिन भर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में मतलब रावी मैडम का सिस्टम ही नहीं बैठा। लेकिन क्या, अभी नहीं जाना तो नहीं जाना, टीवी देखना है। ऐसे उठपटांग चीजें क्यों देखते हो आप? और दोस्तों देखो लामो जी कहाँ से देखो। तो लो जी दोस्तों, मिल लो बिना नहाए भी संजना से। नहाने जा रही हो? इसको तो नहीं लाई थी तुम? मौसम मस्त हो रहा है आज, चले घूमने? घूमने चले, हाँ बालकनी में, बालकनी में तो चले सकते हो। शिमला घुमाने? शिमला घुमाओगे? शिमला घुमाओगे बोला। हाँ ये लो, क्या करोगे शिमला जाके? आपको है ना बर्फ मारूंगी। ये देखो, ये तो मारने की प्लानिंग तो माँ बेटी दोनों की है। दिखा दिया ना, वो भयंकर तालाब भर रहे हैं देखो, पूरा का पूरा ही। बर्फ से मारोगे? ओके। ये देखो गद्दे भी हटाए दे रही, यहाँ पे गद्दों के ऊपर ही सो गए, सुबह पहले कब्जा करके बैठ रही। नहाए धोरी नहीं हो गया तुम? या मैं नहाऊं पहले? नहीं रावी, और मैं तो मंदिर जाएंगे आज। तो रावी मंदिर चलेगी ना मेरे साथ? जे जे के दूर वाले मंदिर में जा रहे हैं, पास वाले बोले पास। महाकाल के चलेंगे? महाकाल के क्यों? महाकाल की ट्रेन होगी ये दोस्तों, वीडियो देख लेती बच्चों के जो नहीं आता हॉरर वाले के, हम भी उसमें चुड़ैल है, उसमें ये वो है, तो उसको देख के डर जाती है। फिर क्या होती है, अब मैं ट्रेन में नहीं बैठू, ट्रेन में तो है ना चुड़ैल आती है। कैसे करती है चुड़ैल? कैसे करती है? कैसे? सुबह सुबह नाखून चुबाती की बातें करती है। तो कोई नहीं, नालो चलो नालो, फिर जाएंगे मैं और रावि मंदिर नहा धो के। रो मत इतनी सी बात, तू रोते तुम? नहीं भी मत, ठीक है चलो, ठीक है जाओ, ज्यादा नहीं। लो जी दोस्तों, मम्मी तो लग गए बाहर सफाई करने में बालकनी की। और ये देखो रावी मैडम और मम्मा को। रावी मैडम कहाँ जा रहे हो? लांबा भी ना दो के तैयार और मैं भी ना दो के तैयार, मैं भी मैचिंग में, लांबा भी मैचिंग में। कैसे लग रहे बताओ हम दोनों? है लांबा कैसा लग रहा? सेम हम लेके, हम दोनों में प्यार ज्यादा है तो हम दोनों लेके आ गए। आप में प्यार नहीं है क्या? बनवाई है बेटा, आपको भी बनवानी है? ठीक है, अगली बार जब सेम बनाएंगे ना कभी, चारों सेम बनेंगे तो जल्दी दोस्तों आपको ये चीज भी मिलेगी कि हाँ भाई रावी मैं चेरी और संजना चारों की तरह, चारों मैचिंग सेम पहनेंगे एकदम। तो देखो अब तो क्या करें, बाल तो बहुत बड़े हो गए, कटवाने ही कटवाने पड़ेंगे। चेरी मैडम अभी सो रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जाए थे एक बार मंदिर, मंदिर फिर मिला आपसे, मंदिर में वीडियो बनाने का टाइम मिला या कुछ हुआ तो आपको वीडियो वहाँ का भी दिखाते हैं। रावी और मैं जा रहे दोनों के मंदिर, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों आज मैं लांबा जी से सॉरी मांगने के लिए स्पेशल इसके उठने का वेट कर रहा था। लांबा जी सॉरी। किस लिए? नहीं आज तो मैं भाई पूछो मत, मम्मी ओ मम्मी सॉरी भाई। मैं क्या लांबा को डेली डायलॉग देता था कि हाँ भी क्या नाम है, तुम सोती रहती हो सोती रहती हो, बिना फालतू नाटक करती हो, कोई काम तो करती नहीं। आज दोस्तों गलती से लपेटे में आ गया मैं। रावी मैडम सो गई, संजना मैडम सो गई, मम्मी दुकान में थी और चेरी की जिम्मेदारी संभालती मेरे को। भाई साहब इधर से रावी को संभाल के थोड़ी देर रुकूं जब तक चेरी चालू, चेरी को संभालू जब तक रावी चालू, और उन दोनों को संभाल जब तक संजना को उठा के मैं कोई काम भेज दूँ। मतलब भाई इसकी नींद पूरी नहीं होती, हकीकत है ये बात। और चेरी मैडम भी उठ गई। चेरू चेलू चेलू चेलू। तो
दोस्तों चेरू मैडम देख लो सुनते उठ गई, और ये लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं इस घर में रहूं, है ना? क्या खा और यार ये मम्मी मजाक कर रहे हो क्या आप? दोस्तों ये देखो क्या है, ये देखो सेव इतने से कितने रुपए किलो लिया मम्मी? सही से झूठ नहीं बोलना है। 120 रुपए किलो टमाटर के बराबर सेव आ रहा है। टमाटर कितने रुपए किलो आ रहे मम्मी? 100 रुपए किलो टमाटर है, 120 रुपए किलो सेव। और रावी मैडम को तो अभी ट्यूशन छोड़ के नहीं आए ना, तो मेरा नाम बदल देना। तो चलो कोई नहीं दोस्तों, देखो आपके वहाँ पे टमाटरों की क्या रेट हो रही है प्लस सेव की क्या रेट हो रही है हमारे को बताना। और ऐसे स्पेशल सेव मिलते हैं छोटे छोटे से, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, मिलते तो आ जाएंगे थोड़े दिनों हमारे आगे, तो आपके भी आएंगे। अब रावी मैडम को छोड़ने जा रहा हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे। और लामा जी एक बार फिर से आपसे सॉरी, ठीक है? कैसे खुश होकर बोल रही है। तो डेली दोस्तों ये देख लो मम्मी को अभी तो बर्तन साफ कर रही है, और डेली जो भैंस के दूध की चाय पीने वाले थे आज भाई साहब डेयरी के दूध की चाय पियेंगे। देखो हमें ले आया दूध आधा लीटर, आधा लीटर कितना मंगाए थे? तो आज दूध क्यों मंगाए पहले, किस खुशी में मंगाए दूध ये बताओ पहले आप। दूध वाले दिया है बाबू साहब जी। आज सुबह से दोस्तों इतनी भयंकर वाई सही है, जैसा कि आपको पता ही, मैंने सुबह भी बताया था आपको, तो उस चक्कर में ना तो पेपर वाला आया ना दूध वाला आया ना कोई आया, तो अब जाके डेयरी से मेरे को लाने पड़ा दूध। ये देखो ला के देना ही पड़ा फाइनली। अब क्या करें, घर का काम तो चला है अपने, रावी चेरी मैं सब मतलब कोई ना कोई है ही खाने पीने वाले सब के सब, तो फिर काम आता ही है। और जो लांबा जी को, लांबू क्या कर रही हो? ओ यार धान के आगे दोनों से बात कर रही हो तुम्हें, क्या बात है? जी मारी है क्या? नहीं तो चिढ़ रही क्यों? दोस्तों सकल देखो, रुको रुको रुको, जब भी फोन पे बात करूं बीच में बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? आज 4 घंटे में ध्यान रखो बच्चों का, 4 घंटे तुम्हारे सहित बच्चों का। अरे क्या बोल रहे हो अब बोलना, दोस्तों मेरी बना दे तो ठीक है, नहीं बनाए तो ठीक है कोई बात नहीं, जा रहा हूँ मैं तो चाय पकड़ाने, भाई इज्जत बिल्कुल नहीं है मेरे को, तो लगा तो चाय बना रहे मेरी भी, एक चाय छोड़ी है ये और साफ करना पड़ेगा मेरे को, ये भी मेरा काम है दोस्तों, देख लेना थोड़ी देर बाद मैं साफ करता दिखूंगा अगर दिखूंगा तो। मिलावट कर दी बॉय साहब, कितना पानी डाले 1.5 लीटर में? 1 गिलास। और फिर हमारे शरीर को लगेगा कैसे जब इतना पानी मिला दिए तो? है कैमरा लेके चलना पड़ेगा आपके, अब आगे देखो ऐसे कोई नहीं बोलता, सफाई करनी तो मेरे को पड़ेगी ना, फिर भी मम्मी कर लेगी मैं क्यों करूंगा, मेरे को डायलॉग देने चक्कर में लहसुन और भूल गई मम्मी, वो भी पकड़ाता हूँ। चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों, बने रहो। तो दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ अजूबा, अजूबा कैसा है अब ऐसे। लांबा जी क्या कर रही हो? अब ये देखो दोस्तों इधर तो बन रहा क्या बाटी और इधर बन रही है रोटी, ये क्या चक्कर है? बोला ये भी बोला घर में तुम्हारे साथ चोट होती है कि हमें कोई रोटी खा रहा है कोई बाटी खा रहा है, मतलब मैं ही अकेला नहीं हूँ तुम्हें दुखी करता हूँ, बदनाम तो दोस्तों बिना फालतू ही हूँ, वरना मैं दुखी किसी को नहीं करता, नहीं किसी को ही नहीं करता। दोस्तों देख रहा चमक रही है, ए है क्या बात है, कैसे चमका रही है रसोई? डेली होती है रसोई नहीं, ऐसे मेरे सामने नहीं करते दोस्तों, एक चीज दिखाऊं वो देखो टीवी देखने में लग रही है, चेहरे झूला खा रही है। हाँ लांबा बाटी के साथ दाल बन गई, कहाँ दिखाओ घुमा के, दिखाओ घुमा के, मेरा हाथ फ्री नहीं है। कितनी हेल्प करते हो, रुको रुको मेरी रोटी जल गई। हाँ दोस्त दाल ही है, मेरे को जला रही हो जो तुम। दोस्तों एक चीज बताओ, ट्विनिंग ट्विनिंग ये पोज तो सुन रही हूँ, रोटी जल रही मेरी। हाँ
क्या हुआ? हाँ आ रहे हो क्या? ऐसे ही भाई साहब क्या ही बताऊँ आपको अलग। ओ भाई साहब और दोस्तों उसका रिमोट अटक गया ऊपर ही। जादू है भाई जादू। लांबू मैं काम कर रहा हूँ फिर थोड़ा। कौन बिखेरा बताओ? अभी नाम बताओ अभी बोलूँ कौन है यार ये मस्त है दोस्तों। इतने तो हाथ में रखो देखिए को सेव होते है क्या? आलू बुखारा लग रहा है। आलू बुखारा मैं खा गया तीन सेव तो बोलो दोस्तों। 1% भी लगा नहीं कुछ खाया है मैंने। क्या ही करे और कुछ खाने को है। टमाटर भाई साहब ये देखो दोस्तों टमाटर 120 रुपये किलो। सॉरी 120 नहीं अभी तो 100 रुपये किलो है। तो लो जी दोस्तों माहौल देख लो जयपुर का भाई साहब भयंकर ही पानी आ रहा है। लाइट में देखो रावी मैडम देखो हमारी आगे बरसाती मेंढक। और आओ मैडम बारिश ज़्यादा आ रही है रावी अंदर आता है गिर जाएगी। पानी है यहाँ पे ये देखो दोस्तों हमारे तो यहाँ पे पानी ऐसे बढ़ता है जैसे पूरा तालाब नदी यही है पूरे जयपुर की। आ जाओ इधर आ जाओ रावी नदी बन गई ना ये तो बात है। नहा के आगे पेट साफ करो इधर 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 पायदान पे। रावी मैडम ओ रावी मैडम क्या संजना मैडम तेरी मैडम तो सो गई दिखती है। है सो गई ना ये बात है। गाना मत चलाना उसमें रावी रुक जा रुक जा। तो अब तो कोई ब्लॉग बनने का है नहीं बरसात दिखाई दी सब कर दी। तो आज के दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यही एंड। जिनके बच्चे हैं कोई भी स्कूल मत भेजना बच्चों को। इतने पानी भरे हुए में तो भाई सब भेजने का कोई सेंस भी नहीं है। पूरे दिन आज हमारी हालत खराब कर दी। हाँ कोई दोस्तों देखो ध्यान रखना सब अपना अपना। बारिश के पानी में बाहर कम से कम निकलने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों मेरी तरह निकलना है तो पूरे बारिश में नहा के आ जाना। हाँ लिया है देख लो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड। सब सुरक्षित रहो पानी के बारिश के पानी में कम से कम निकलो कि रोडों पे पानी बहुत ज्यादा भर रहा है। कमेंट करना क्या लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट स्वीट डे।